स्टूडेंट्स टूडे वी स्टडी अबाउट यूनिट थर्ड सोशोलॉजी सब्जेक्ट इन विच वी आर स्टडी अबाउट कल्चर इंट्रोडक्शन कल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस कल्चर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोशल साइंस का ठीक है दैन नेक्स्ट कल्चर एंड सोसाइटी गो टूगेदर जो कल्चर और सोसाइटी है वो दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं दैन कल्चर हैज़ एन इन्फ्लुंस ऑन सोशल लाइफ जो कल्चर है हमारे सोशल लाइफ को भी इफ़ेक्ट करता है इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ये हमें सोसाइटी uh, को समझने के लिए सोशल बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है दैन द कल्चर फॉर हैविंग एन अंडरस्टेंडिंग ऑफ नेचर ऑफ़ सोसाइटी जो कल्चर है हमें सोचने की और समझने की शक्ति देता है कि सोसाइटी का नेचर किस तरह का है देन द टर्म कल्चर इज़ ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड कल्चर शब्द जो है वो एक लेटिन शब्द है जो किससे मिलकर बना है कल्चर एंड संस्कृत से एंड संस्कृत वर्ड मीन्स संस्कार संस्कार से मिलकर संस्कृत संस्कृत से कल्चर देन विच डिनोटेड सोशल चैनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ जो कल्चर है हमें जीने का तरीका सिखाता है देन वी स्टडी अबाउट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मेलिनोस की अकॉर्डिंग टू मेनोलॉस की द क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन द हार्ड वर्क ऑफ मैन एंड द मीडियम थ्रू विच ही अचीव हिज एंड्स मतलब जो कम्युलेटिव क्रिएशंस है मैन का जो हार्डवर्क है पर्सन का उसको उसने किस तरीके से अपना हार्डवर्क किया है मेहनत कर कर किस तरीके से उसने अपनी अचीवमेंट को को गेन किया है उसको बताता है कल्चर देन वी देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ अकॉर्डिंग टू ई बी टाइलर ई बी टाइलर कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स विच इंक्लूड बिलीफ आर्ट मॉडल्स सॉरी मॉरल्स कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी जो कल्चर है वो एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर क्या क्या शामिल होता है बिलीव्स आर्ट्स मॉरल्स कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटी और हैबिट्स ऑफ जो जो पर्सन की अकवायर्ड है जो जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसमें मॉरल थिंकिंग कस्टम्स जो भी कस्टम्स है बिलीव्स है वो कैपेबिलिटी एंड हैबिट्स जो भी पर्सनस की हैबिट्स है वो सब मिलकर पर्सनस को एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाती है देन वी नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू लेजिलिक ए वाई वाइट कल्चर इज अ सिंबॉलिक कंटीन्यूस कमेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस जो कल्चर है वो एक सिंबल सिंबॉलिक कंटिन्यूस कम्युनिटी और प्रोग्रेसिव प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू एफ वॉल्टर पोल्स अकॉर्डिंग टू ए एफ़ वॉल्टर पोल्स दे से कल्चर इज़ द टोटली ऑफ ग्रोइंग जो कल्चर है वो पूरी तरीके से विकसित होता है धीरे धीरे विकास होता है उसका वे ऑफ थाट एंड एक्शन प्रॉपरली जिस तरीके से पर्सन के थाट होते हैं और वो उसी तरीके से एक्शन करता है ठीक है दैन एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं दैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर कल्चर ऑफ सोशल फर्स्ट पॉइंट इज कल्चर ऑफ सोशल कल्चर इज सोशल एंड नॉट एन इंडिविजुअल हैरीटेज ऑफ मैन जो कल्चर है वो एक पर्सन की संस्कृति हेरीटेज मीन्स ट्रेडिशन ऑफ मैन जो कल्चर है वो पर्सन मैन का ट्रेडिशन है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन ये कोई आइसोलेशन एक आइसो अकेला ही पर्सन इसको नहीं बता सकता सारे पर्सन मिलकर कल्चर को बताते हैं इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड शेयर बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है सोसाइटी का और सब मिलकर इसे शेयर करते हैं मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो भी कल्चर ट्रांसफ़र होना है वो बताते हैं मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी देन नो मैन कैन एक्वायर कल्चर विदाउट एसोसिएशन विथ अदर ह्यूमन बींग्स बिना कल्चर के कोई भी पर्सन पूरा नहीं है एज अ ह्यूमन बींग द नेक्स्ट इज अ सेकेंड कल्चर इज़ अ लर्न कल्चर इज़ नॉट इनहेरिटेड बायोलॉजिकल बट लर्न सोशली बाय मैन ये कोई बायो कल्चर बायोलॉजिकली नहीं आता है बट ये अपने पेरेंट्स से जैसे अपने पूर्वजों से सीखने पर सो एज अ सोशली बाय मैन जो सोशली पर्सन है वो अपने पूर्वजों से सीखेगा और अपने आने वाली पीढ़ी को बताएगा लर्न बाय वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इट इज़ नॉट एन इनबॉर्न टेंडेंसी ये कोई इनबॉर्न टेंडेंसी नहीं है ये जन्म से ही नहीं होता है इसे सीखना पड़ता है देर इज अ नो कल्चर इंसिडेंस एज सच कल्चर इज अ ऑफन कॉल्ड द लर्न वेज ऑफ बिहेवियर जो कल्चर है हम उसे किस तरीके से सीख रहे हैं वो हमारे बिहेवियर में पता चलता है देन थर्ड पॉइंट कल्चर इज़ शेय कल्चर इज़ नॉट समथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन पोसेज फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स ट्रेडिशंस बिलीव्स आइडियाज़ वैल्यूज़ एंड मॉरल्स आर शेयर्ड बाय पीपल ऑफ़ अ ग्रुप और सोसाइटी कल्चर इज नॉट समथिंग दैट एन इंडिविजुअल कैन पोसेस एक पर्सन मिलकर कल्चर को नहीं चला सकता फॉर एग्ज़ाम्पल्स हमारे कल्चर के अंदर क्या आते हैं हमारे कस्टम्स आते हैं हमारे ट्रेडिशन्स आते हैं हमारे बिलीव्स आते हैं और जो भी हमारे आइडियाज़ हैं जो भी हम अपने कल्चर के बारे में सोचते हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं और मॉरल जो भी उनसे हमें सीखने को मिलता है वो हम शेयर करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन पीपल ऑफ़ अ ग्रुप और सोसाइटी ग्रुप में और पूरी सोसाइटी में देन फोर्थ कल्चर इज़ अ ट्रांसमिसिव कल्चर इज़ अ ट्रांसमिटेड वर्टिकली और हॉर्जोंटली एंड दस इज़ अ कम्युनिकेशन जो कल्चर है वो वर्टिकल वर्टिकली भी ट्रांसफ़र होता है और हॉरीजोंटली भी किस तरीके से कम्युनिकेशन के थ्रू वर्टिकली ट्रांसमिशन इज फ्रॉम वन ग्रुप टू अनेदर ग्रुप जो वर्टिकलर वर्टिकली ट्रांसमिशन है वो वन ग्रुप टू अनेदर ग्रुप ट्रांसफ़र होता है विथ इन द सम पीरियड कुछ ही समय के पीरियड समय के अंदर देन नॉलेज इज एक्यूमुलेटिव लैंग्वेज इज द चीफ व्हीकल ऑफ कल्चर जो नॉलेज हमें मिलती है उसे हम अपने कल्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं देन फिफ्थ कल्चर इज़ अ कंटीन्यूअस एंड कम्युनिटिव कल्चर एग्जिस्ट एज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस जो कल्चर है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है देन इट इज द सोशल हेरिटेज ऑफ मैन सोशल हेरिटेज ऑफ मैन मीन्स ये एक ट्रेडिशन uh, है मैन का इट इज़ लिंक्ड विथ द पास्ट किससे लिंक्ड होता है ये पास्ट से लिंक्ड है देन द पास्ट इंडर्स बिकॉज इट लीव्स इन कल्चर हमारे भूत भविष्य वर्तमान में जैसे भूत पास्ट में क्या हुआ था वो हमें कल्चर की ट्रेडिशंस उसके कस्टम्स के थ्रू हमें पता चलता है देन कल्चर इज़ कंसिस्ट एंड इंटीग्रेटेड जो कल्चर है वो एक कंसिस्टेंट और इंटीग्रेटेड है कल्चर इज़ एन इंटीग्रेटेड सिस्टम इट प्रेजेंट एन ऑर्डर एंड सिस्टम जो कल्चर है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है और ये एक ऑर्डर और सिस्टम के वे में प्रेजेंट होता है एट द सम टाइम डिफरेंट पार्ट ऑफ कल्चर आर इंटरकनेक्टेड जो भी डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं वो ए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ सिस्टम द नेक्स्ट सेवन पॉइंट कल्चर इज़ अ डायनमिक एंड एडोपटिव थ्रू कल्चर इज रिलेटिवली स्टेबल इट इज़ नॉट ऑल टूगेदर स्टेटिक इट इज़ सब्जेक्ट टू स्लो बट कंस्टेंट चेंजेस ये धीरे धीरे बदलता है और चेंजेस होते हैं इसमें कल्चर इज अ ऑल्सो रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशन ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड कल्चर भी जिम्मेदार हैं जो भी कंडीशन ऑफ़ फिजिकल वर्ल्ड में चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए इट इज़ अडोप्टिव ये एक अडाप्टिव है हम ले, इसको अडोप्ट कर सकते हैं इट ऑल्सो इंटरवेंस इन द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड हेल्प मैन इन प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ये एक नेचुरल इन्वामेंट में पर्सन को हेल्प करता है एडजस्ट करने के लिए देन एट पॉइंट कल्चर इज़ अ ग्रेटिफाइंग कल्चर प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड प्रेजेंट मींस फॉर स्टेटिस सेटिस्फेक्शन। ग्रेटिफाई मीन्स सेटिस्फेक्शन। जो पर्सन कर रहा है क्या उससे वो सेटिस्फाई है ये कल्चर हमको बताता है कि उसको जो जरूरत थी उसको जो नीड थी एंड डिज़ायर्स थी उसको कंप्लीट कर, करने के लिए या उसको कंप्लीट करने के बाद वो पर्सन सेटिस्फाई है या नहीं दीज नीड्स में भी बायोलॉजिकल एथिकल और सोशल ये नीड्स कुछ कोई भी हो सकती हैं बायोलॉजिकल हो सकती एथिकल हो सकती और सोशल हो सकती है देन कल्चर हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विथ विच ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाई देयर वॉन्ट्स मतलब जो कल्चर है वो किसे बता रहा है कि जो प्रोसेस के थ्रू पर्सन ने जो भी एक्टिविटी की है उससे वो सेटिसफाई है क्या उसे जो चाहिए था वो उसे एक्टिविटी को करने के बाद उस कल्चर को करने के बाद वो सेटिसफाई है या नहीं देन कल्चर वेरी वेरियस फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी जो कल्चर है वो सोसाइटी टू सोसाइटी चलता है देन एवरी सोसाइटी हैज़ अ कल्चर ऑफ़ इट्स ओन हर सोसाइटी अपने अलग अलग कल्चर को चलाती है जैसे मुस्लिम धर्म अपना अलग कल्चर लेके चलता है और हिंदू धर्म अपना अलग कल्चर लेके चलता है देन कल्चर एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल कस्टम्स ट्रेडिशंस मॉरल आइडियाज़ वैल्यूज आइडियोलॉजीज बिलीव्स प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशंस आर डिफरेंट इन ईच सोसाइटी सभी सोसाइटीज़ के अलग अलग कस्टम्स होते हैं ट्रेडिशंस होते हैं मॉरल्स होते हैं आइडियाज़ होते हैं वैल्यूज़ होते हैं आइडियोलॉजीज़ होती है बिलीव्स होती है और प्रैक्टिस होती है सभी अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने कल्चर को चलाते हैं कल्चर ऑल्सो वेरियस फ्रॉम टाइम टू टाइम कल्चर भी बदलता रहता है टाइम टू टाइम द नेक्स्ट कल्चर इज़ अ सुपर गेमिक एंड आइडिएशनल कल्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो कल्चर है वो इंडिपेंडेंट है बट इसकी अपनी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं देन सोशल मीनिंग ऑफ नेशनल फ्लैग इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ कलर्ड क्लोथ जो हमारा नेशन का नेशनल फ्लैग है वो एक पीस ऑफ क्लोथ नहीं है वो हमारे नेशन uh, को रिप्रेजेंट करता है देन, नेक्स्ट इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ मैन मेड ऑब्जेक्ट एज जो मटेरियल कल्चर होता है वो मैन मेड होता है जैसे पर्सन ने किस चीज़ों को बनाए हैं जैसे टूल्स इंप्लीमेंट्स ऑटोबाइल्स जैसे ऑटोबाइल्स मशीन्स रोड्स बिल्डिंग्स एंड ऑल दोज डिवाइसेस बाय विच नेचर इज कंट्रोल जैसे बिल्डिंग्स रोड्स वगैरह पर्सन ने बनाई है पर उसे कंट्रोल नेचर कर रही है देन इट इज़ अ कंसर्न विथ अल्टीमेट अल्टीनेशन एंड मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स जो भी ऑब्जेक्ट्स पर्सन ने बनाए उसमें अल्टरनेशन और चेंजेस होते रहते हैं इट रेफर्स टू एज अ सिविलाइजेशन देन इन नॉन मटीरियल कल्चर आर इंक्लूडेड नॉन मटीरियल ऑब्जेक्ट्स लाइक आर प्रो पोइट्री रिलीजन डेमोक्रेसी एंड मोनोगेमी जो मटेरियल कल्चर है वो पर्सन के थ्रू बनाया गया है जैसे बिल्डिंग uh, ऑब्जेक्ट्स है वो एक और जो नॉन मटेरियल कल्चर है वो एक ऑब्जेक्ट uh, तो नहीं है पर जैसे पोइट्री रिलीजन डेमोक्रेसी ये सब नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में आती है देन कल्चर लैग अकॉर्डिंग टू ऑन बर्न चेंजेस आर क्यूक टू टेक प्लेस जो चेंजेस होते हैं वो जल्दी जल्दी होते हैं इन द मटीरियल कल्चर जो मटीरियल कल्चर है उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस हो सकते हैं जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनाई उसमें हमें कुछ करेक्ट करना है तो हम जल्दी से उसमें करेक्शन कर सकते हैं देन इन टर्न इस्टिमुलेट चेंज नॉन मटीरियल कल्चर पर नॉन मटीरियल कल्चर में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते अगर किसी ने पोइट्री लिखी है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसने पोइट्री लिखी पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते बट द नॉन मटीरियल कल्चर मे बी स्लो जो नॉन मटीरियल कल्चर है वो स्लो रिस्पोंड करता है देन गिविंग राइज टू अ गैप और लैग बिटवीन द मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर जो स्लोली रिस्पोंड करेगा और हमें एक गैप और लैग को बताएगा मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर के बीच में दिस लैग इज़ कॉल्ड कल्चर लैग कल्चर लैग क्या है मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर के अंदर डिफरेंस या गैप बिटवीन मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर देन द चेंजेस इन मटीरियल कल्चर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एडवांस अर्ली बिकॉज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड आर विजुअलाइज्ड एंड पीपल अडोप्ट इट वेरी फास्ट जो मटीरियल कल्चर है जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको पीपल्स जल्दी से अडोप्ट करती है वायल एंड एस्पेक्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर बिलीव नॉन मटीरियल कल्चर में बिलीवस आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है पर्सन को एंड इंटरनल वंस रिक्वायर मोर टाइम टू एक्सेप्ट धीरे धीरे पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है इसीलिए नॉन मटेरियल कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है और मटीरियल कल्चर को टेक्नोलॉजीज को पर्सन जल्दी से अडोप्ट करते हैं देन रिक्वायर्स मोर टाइम एंड टू एक्सेप्ट दैन हैं प्रोसेस वेयर बाई वन एक्सेप्ट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर चेंजेस फास्टर दैन अनदर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर टू वाइट विच इज रिलेटेड एग्जाम्पल द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इन डस्ट्री रिक्वायर्स द कॉरस्पोंडिंग चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो फील्ड में कुछ भी रिक्वायर्स है कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस जरूरी है थ्रू एजुकेशन के तो वो जल्दी से डेवलप होंगे the forest can uh, forest is uh, the country may be destroyed because the art of conservation does not keep pace with the industrial or agriculture development causing culture lag the next function of culture culture make uh, means as a social being नेक्स्ट इट डिफ़ाइंस वैल्यूज एटीट्यूड एंड गोल्स जो कल्चर है वैल्यूज एटीट्यूड्स और गोल्स को बताता है देन इट प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न विद एंड रिलेशन विद अदर बिहेवियर पैटर्न को बताएगा और रिलेशंस को बताएगा एक दूसरे के देन इट क्रिएट्स न्यू नीड्स एंड इंटरेस्ट ये नए नए क्रिएशंस को क्रिएट करता है नीड्स है इसको कल्चर को न्यू क्रिएशन की नीड है और इंटरेस्ट की नीड है जैसे कि पर्सन अगर इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे कल्चर को जानने के लिए तो जो हमारा कल्चर है वहीं रह जाएगा आगे नहीं बढ़ेगा देन इट मोल्स नेचर कैरेक्टर जो नेचुरल कैरेक्टर्स हैं उसको बताता है इट प्रोडन द विज़न ऑफ इंडिविजुअल ये सब इंडिविजुअल विजन्स को मिक्स करता है मतलब पर सभी विज की जो विजन है विजन ऑफ इंडिविजुअल पर पर्सन की जो भी विज़न है उसे देखने का तरीका उसको सबको मिक्स करता है इट डिफाइन सुपर नेचुरल बिलीफ एंड मिथ ये सुपर नेचुरल बिलीफ और मिथ्स को भी बताता है देन इट कीप द इंडिविजुअल बिहेवियर इंटरेस्टेड इंडिविजुअल बिहेवियर और इंटरेस्ट को भी बताता है देन इट प्रोवाइड सोल्यूशन टू कॉम्प्लीकेटेड सिचुएशन ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में सोलूशन भी प्रोवाइड कराता है देन हैज़ इट प्रोवाइज ट्रेडिशनल इंटर रिलेशन टू क्रिएट सर्टन सिचुएशन अगर कोई सर्टन सिचुएशन आई है तो हमारा कल्चर हमें उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है देन टू रेगुलेट द कंडक्ट एंड प्रिपेयर द ह्यूमन बींग फॉर ग्रुप लाइफ थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ये रेगुलेट द कंडक्ट एंड प्रिपेयर द ह्यूमन बींग फॉर ग्रुप लाइफ थ्रू प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन के प्रोसेस को मैंटेन करने के लिए पर्सन को रेडी करता है दर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चर फर्स्ट कल्चर ट्रेड्स द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर इज़ कल्चर ट्रेड्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कल्चर की उसको कल्चर ट्रेड्स बोलते हैं इट मे बी मटीरियल और नॉन मटीरियल कल्चर देन दिस ट्रेड डेवलप्ड कॉन्करेंटली टू गेन द इम्पोर्टेंस टू टर्म टू डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस दे हैव फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग जो मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर है उसको डेवलप करने में उसको गेन करने में और उसको सिग्निफिकेंट करने में हेल्प करता है देन दिस कलेक्टिव ग्रुप्स बिहेवियर इज़ कॉल्ड कल्चर कॉम्प्लेक्स ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको मेन पर्सनस का जो भी बिहेवियर है उसको कल्चर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं देन कल्चर पैटर्न द कॉम्बिनेशन ऑफ मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर इनटू फंक्शन ग्रुप जो कॉम्बिनेशन है मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर का वो फंक्शन ग्रुप को डिफाइन कर रहा है विच रिले रिफ्लेक्टेड द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या बता रहा है कि जो कल्चर uh, के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको और किस तरीके से इन अ मैनर ऑफ अमंग मेंबर ऑफ ग्रुप पर्सनस के बारे में बताता है द चाइल्ड केयरिंग प्रैक्टिस जैसे मदर अपनी डॉटर को बताती है कि बेबी की कैसे केयर करना है देन चाइल्ड बिहेवियर इन स्कूल देन कल्चर एरिया कल्चर एरिया रेफर्स टू अ जियोग्राफिकल लोकेलिटी विच शेयर कॉमन कल्चर क्लाइमेट जो कल्चर एरिया है वो रेफर्स कर रेफर करते हैं जियोग्राफिकल लोकेलिटी विच जिस एरिया में जियोग्राफिकल लोकेलिटी में जिस एरिया में पर्सन रह रहा है उसको वो लोकेलिटी को प्रेजेंट करता है एग्जाम्पल ट्राइबल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया इवेल्यूशन ऑफ कल्चर देन नेक्स्ट द कल्चर द इवेल्यूशन ऑफ द एडवांस ऑफ मटीरियल थिंग टू पीपल सच एज पोइट्री डोंट टिल अबाउट द कल्चर बट द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सेवरल इवेल्यूशन ऑफ़ कल्चर the next material as well as non-material culture traits have been innovated but these innovations have not contributed to the development of a culture. the next form the discovery and innovation culture development can be identified. then it is a difficult to trace the origin of culture as it is lost in the mist.

एड करेगा देन डिसकंटिन्यूएट्स विथ एग्जैक्टिंग ट्रेड्स जिन ट्रेड्स की हमें जरूरत नहीं है उसको डिसकंटिन्यूएट करेगा देन नीड फ्लैट टू चेंज अब हमें उसमें कल्चर में क्या चेंज करने की ज़रूरत है देन फॉर न्यू जनरेशन न्यू जनरेशन के लिए हमें कल्चर को कैसे बनाना है और उसे कैसे सिखाना है देन सर्व एज अ बेसिस जिस जो जिस बेसिस पे हमने कल्चर को सीखा है उसमें हमने क्या चेंजेस करे और उसको हम न्यू जनरेशन को बताएंगे थ्रू न्यू कल्चर नेक्स्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी फर्स्टली वी एलिमिनेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग और ओल्ड मोड्स ऑफ लिविंग टिक्स जो भी हमारी पहले वाली टिक्स है उनको हम एक बार पूरा एग्जिस्ट करेंगे देन फिर उसमें न्यू आइडियाज़ को ऐड करेंगे देन डिसकंटिमिनेट विथ सम और मैनी थिंग्स उसके अंदर जो भी नीडफुल थिंग्स है उसको ऐड करेंगे और जो नीडफुल थिंक नहीं है उसको हम रिमूव करेंगे देन डेवलप न्यू टिक्स विच आर इम्प्रूवमेंट और पास्ट हम उसमें नए नए टिक्स यूज करके एड करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे पास्ट को इन फ्यूचर दैन नेक्स्ट नेचर ऑफ कल्चर नेचर इज बेस्ड ऑन द यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटी टू क्लासिफाई एक्सपीरियंस कल्चर इज यूजअली एक्वायर्ड थ्रू इन कल्चरेशन कल्चर एक यूनिकली ह्यूमन कैपेसिटी टू क्लासीफाई एक्सपीरियंस कल्चर जो पर्सनस के एक्सपीरियंस है, उसको बताता है देन कल्चर इज द प्रोसेस थ्रू विच एंड ओल्डर जनरेशन इंड्यूस्ड एंड कॉम्प्लेक्स अ यंगर जनरेशन टू रिस्पॉन्ड द स्टेबिलाइज लाइफ साइकिल स्टाइल जो पहले के ज़माने में जिस तरीके से हमारे पूर्वज रहते थे उसको आज की न्यू जनरेशन एक्सेप्ट नहीं करती है वो अपने स्टेबिलाइज लाइफ साइकिल को जीना ज़्यादा पसंद करती है देन द कल्चर इज अप ऑन आसन लाइफ इट जो कल्चर है वो पर्सन की लाइफ में फिक्स्ड होता है इट इज़ डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते एज इट एग्जिस्ट एक्ट एज कॉन्शियस लेवल ठीक है देन इनफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी कल्चर इज नॉट इन एट ह्यूमन बींग क्रिएट कल्चर कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड ट्रेडिशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो भी हमारे सिद्धांत हैं वो हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसवर करते हैं देन गेट बिकॉज ह्यूमन बींग हैव क्रिएटेड इट कल्चर इज फ्लेक्सिबल एंड सब्जेक्ट टू चेंज देन नेक्स्ट ह्यूमन कल्चर इज लिंक्ड टू बायोलॉजिकल एजुकेशन ऑफ ह्यूमन बींग बिकॉज ह्यूमन बींग आर क्रिएटिव बाय नेचर दे हैव डेवलप डिवाय डिवायर्स और डिफरेंट वे ऑफ लाइफ जो ह्यूमन कल्चर है वो बायोलॉजिकल एजुकेशन और ह्यूमन बींग को लिंक करता है देन बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटिव जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं वो क्रिएटिव हैं बाई नेचर नेचुरली उनमें एक क्रिएटिविटीज़ है तो उसमें कल्चर में हम कुछ भी डेवलप्ड कर सकते हैं और उसको डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ दैन द कल्चर डाइवर्सिटी द रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन रिलीजियन बिलीफ एंड लाइफ स्टाइल कल्चर इज द एक्वाइर्ड बिहेवियर ऑफ ग्रुप जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा वहाँ का भी कल्चर हम गेन करते हैं इट मीन्स देर आर मेनी कल्चर एज अ ग्रुप इन सम ग्रुप मोनोगेमी इज़ अ फाइन वायली इज़ अदर पोलीगैमी एंड कोलीगेमी दैन इन सम कल्चर ब्राइड ग्रूम गोज़ टू लाइफ एट वाइफ हाउस जो कल्चर्स में चेंजेस हो रहे हैं जैसे ब्राइड ग्रूम गोज टू लाइफ एट वाइफ हाउस जिसे घर जमाई बनाना जैसे फीमेल शादी करके अपने हजबेंड को ब्राइड ग्रूम को अपने घर पर रखती है वाइल इन अदर ब्राइड कम्स टू लिवस इन हसबेंड और हमारे कल्चर में क्या होता है कि हस्बैंड्स के घर पर वाइफ रहती है देन दीज आर द आर ग्रुप वेरिएशन्स ऑफ कल्चर बिहेवियर बहुत सारी वेरिएशन आ रही कहीं पर फीमेल्स हस्बैंड के घर जाती हैं और कहीं हस्बैंड अपनी वाइफ के घर पर आकर रहते हैं इन अमंग डिफरेंट पीपल आर इंडिया नॉन एज डाइवर्स कल्चर मतलब हमारे कल्चर में डाइवर्सिटी हो रही है देन फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्स कल्चर हमारे कल्चर्स को डाइवर्स करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं फर्स्ट है जियोग्राफिकल लोकेशन हैज़ फर्निश्ड द बेसिस ऑफ बेसिक फॉर वेरियस कल्चर ड्यू टू डिफरेंट मटीरियल अवेलेबिलिटी फॉर यूज किसी भी बेसिस नीड वेरियस कल्चर ड्यू टू डिफरेंट मटीरियल अवेलेबलिटी किसी परसन की अवेलेबलिटी नहीं है कि वो कल्चर को फॉलो कर सकें तो उसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं देन द फ्लैट गाजिंग लैंडवेयर देअर वेयर लार्ज हार्ड्स ऑफ कैटल्स टू अ होमेडिक कल्चर देन फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर ह्यूमन बीइंग इज अ फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट टू हिज़ नेचर एनवायरमेंट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल हैं इन नेचुरल एनवायरमेंट दिस कंस्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कल्चर बिहेवियर हैज़ शो द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर अगर पर्सन एडजस्ट करता है तो कहीं ना कहीं कल्चर को डायवर्सिटी मिलती है देन रिलीजन बिलीव द रिलीजन डिफर्स फ्रॉम वन अनेदर ऑन द बेस ऑफ कल्चर देन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा कल्चर डाइवर्स होता जा रहा है देन मे बी बैकवर्ड टेक्निकली की टेक्निकली देन अदर दिस कैन कोज द चेंजेस इन कल्चर फ्रॉम वन टू अनदर जैसे भी टेक्निकली टेक्निकलीसरीज आ रही है वैसे वैसे हमारे कल्चर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं लाइफ इस्टाइल चेंजेस इन द लाइफ इस्टाइल ड्यू टू एजुकेशन मेक्स वन ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम अनादर जो एजुकेशन है वो पर्सन को वन ग्रुप टू अनादर ग्रुप में डिफरेंट कर रहा है देन इन इंडिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर एग्जिस्ट ड्यू टू चेंज हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के कल्चर्स फॉलो होते हैं इन द लैंड ऑफ एजुकेशन लाइफ स्टाइल दैन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड दे आर रिलीजियन ऑफ वन ग्रुप टू अनादर ग्रुप इन इंडिया थर्टी टू लैंग्वेज एंड ईच स्टेट विथ इट्स फ्लोक फोक सॉन्ग हिस्ट्री टेलिंग सुशेंस विच शो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ की जाती है जैसे थर्टी टू लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं और ईच स्टेट पर स्टेट अपना फोक सॉन्ग है मतलब राज्य नृत्य है हिस्ट्री टेलिंग उसकी अलग अलग हिस्ट्री है लाइक like, एग्जाम्पल राजस्थान राजस्थान राजा महाराजाओं का राज्य रहा है शुरू से ही यहाँ पर राजा महाराजाओं ने निवास किया है तो इसकी संस्कृति में भी राजपाट जैसा वे देखने को मिलता है देन अ नंबर ऑफ रिलीजियस आर इन इंडिया द पीपल ऑफ पार्टिस पार्टिकुलर रिलीजन हैज़ देयर ओन वे ऑफ लिविंग बिलीफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग दैन देयर फॉर आर थाउजेंड ऑफ़ फैक्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस स्पेशल टास्क ऑफ विच मैंग मैन वर्क आर डिवाइडेड ईच ग्रुप हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर पेटर्न हमारे इंडिया में बहुत तरीके की फैक्ट्रीज थाउजेंड प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया में और उसमें जो पर्सन्स हैं बाहर से आकर वहाँ पर लाइफ स्पेंड करते हैं तो उनका जो कल्चर है वो एक कल्चर से अनदर कल्चर के बारे में जानते हैं विच है शो द डाइवर्स कल्चर बेस्ड ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन भी कल्चर चेंज होता है, हैबिट्स ड्रेसेस सब चेंज होता है जैसे वी एग्ज़ाम्पल वी हैड अ एग्जाम्पल इन राजपूती क, राजपूत कास्ट वी वेयर द राजपूती पोशाक वेन अ वीमन गो टू एट वर्क देन दे वीयर द सूट और साड़ी देर डजेंट वीअर द राजपूती पोशाक एंड गो ड्रेसिज आर डिफर फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन स्टेट अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वियरिंग होता है क्लोथ्स का वियरिंग होता है अलग अलग लाइक देट पंजाब में दे वियर द पटियाला सूट देन नेक्स्ट हरियाणा दे वी द पोशाक एंड राजस्थान इन राजस्थानी कल्चर देव वी आर द मोस्टली पोशाक राजपूती पोशाक राजस्थानी ड्रेस नेक्स्ट अन अन अनइनफॉर्मिटी ऑफ कल्चर इज़ फॉर मोर कॉम्पलैक्स दैट इट सीम इट मीन्स कॉमन कल्चर ऑफ सम टाइम्स ऑफ कल्चर प्रिवेलिंग ऑफ ऑल ओवर इंडिया मीन्स जो कल्चर है वो समटाइम्स प्रिवेलिंग ऑफ ऑल ओवर इंडिया इन इंडिया इन अनफिमिटी ऑफ कल्चर इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट गॉड इज़ वन हु इज़ सुपीरियर ऑफ ऑल ऑफ अस लाइक दैट हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन ईसाई दे हैव अ ओन गॉड्स बट द सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस गॉड इज़ अ वन ग्लोबलाइजेशन एफर्ट्स अपॉर्चुनिटी टू नो द यूनिवर्सल कल्चर एंड दस टू बिकेम पार्ट ऑफ होल जो ग्लोबलाइजेशन है वो एफर्ट्स अपॉर्चुनिटी टू नो द यूनिवर्सल कल्चर होल यूनिवर्सल कल्चर को एक पार्ट में कम्बाइन करने का एफर्ट्स दिखाता है देन द कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल फोर्स करेंटली फॉरबिकलिजली इंडिया गुड मेक द वे फॉर द इंटरलाइसन ऑफ़ यूनिवर्सल कल्चर यूनिवर्सल कल्चर के अंदर इंडिया सबसे महत्वपूर्ण प्लेस रखता है इन गुड मेक टू वे फॉर द इंटरलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल कल्चर थैंक यू